नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री टूर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं प्लास्टिक नल बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां पर सालाना 5 लाख से भी अधिक प्लास्टिक नल बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्स करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री उत्सव प्लास्टिक का और देखते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों प्लास्टिक नल में 3 अहम पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नल बॉडी मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले प्लास्टिक रॉ मटेरियल को ऑटोमेटिक मशीन के हॉपर में लोड किया जाता है। यहाँ रॉ मटेरियल को रिलायंस और गेल जैसी कंपनी से लाया जाता है। अलग अलग रंग की प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अलग अलग रंग के मास्टर बैच का इस्तेमाल होता है। नल की बॉडी बनाने के लिए मोल्ड को सेट किया जाता है और मशीन में ऑटोमेटिक बॉडी बना के तैयार हो जाती है। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि मोल्ड तो गर्म होता है, तो फिर यहाँ पर हाथ से कैसे काम किया जाता होगा, है ना? इंटरेस्टिंग सवाल। दोस्तों इसके लिए कूलिंग स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, जो मोल्ड को ठंडा करने का काम करता है, जिसके बिना हाथ जले काम किया जा सके। अब बॉडी को मोल्ड से बाहर निकाल कर आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों बॉडी बनाने के बाद अब नल का दूसरा अहम हिस्सा कैप की बारी है। ये कैप को भी आगे की प्रोसेस की तरह ऑटोमेटिक मशीन से बनाया जाता है। ये सुंदर डिजाइन वाले कैप को प्लास्टिक नल के ऊपर लगाया जाता है, जिससे आपके नल को अच्छी ग्रिप मिले। उसके बाद कैप के ऊपर लगा एक्स्ट्रा मटेरियल को अच्छे से निकाल दिया जाता है। दोस्तों कैप बनाने के बाद नल का तीसरा और आखिरी अहम हिस्सा स्पिंडल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ ऑटोमेटिक मशीन में एक बार में 6 स्पिंडल बनाए जाते हैं। स्पिंडल पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब तैयार हुए स्पिंडल के आकार को बरकरार रखने के लिए और उसे ठंडा करने के लिए पानी में रखा जाता है। स्पिंडल ठंडा होने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कटर की मदद से निकाल दिया जाता है। इस फैक्ट्री में नल के दूसरे पार्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। दोस्तों अब नल के सारे पार्ट्स बनके तैयार हैं, पर पूरा नल तैयार होने में अभी असेंबली प्रोसेस बाकी है। असेंबली लाइन में सबसे पहले बॉडी के एक्स्ट्रा मटेरियल को निकाल दिया जाता है और स्पिंडल को लगाया जाता है। उसके बाद स्पिंडल को अच्छी तरह से फिट किया जाता है। अरे अरे अरे, यहाँ पर कितनी स्पीड से काम किया जाता है, मुझे ये प्रोसेस देखने में बहुत ही मजा आया। उसके बाद सुंदर डिजाइन वाली कैप को स्क्रू की मदद से लगाया जाता है। कैप लगाने के बाद उस पर कंपनी के लोगो को लगाया जाता है। फाइनली बेस्ट प्लास्टिक के नल बनके तैयार हैं। उसके बाद सुंदर पैकेजिंग बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ फैक्ट्री में 70 से भी अधिक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर सर्विस सैडल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। दोस्तों आपको प्लास्टिक नल या दूसरी प्लास्टिक प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट फैक्ट्री के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
प्लास्टिक नल और सर्विस सैडल बनाने की ये मजेदार फैक्ट्री टूर आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ऐसे ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ एक और अमेजिंग फैक्ट्री अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।